भूकंप आया, इतने सारे लोग जो है डेथ कर गए, उसके लिए बहुत दिल से जो है ना। अच्छा भाई, भाई भाई के साथ भाग भाग के आ गए? नहीं, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी फिलहाल थोड़ा बहुत ठीक हूँ। आप लोगों को पता ही है, डेली ब्लॉग अगर आप लोग देखते हैं तो फिलहाल जो है टाइम हो गया है 7:30 हो चुके हैं। तो नहा धो लिया मैंने, अभी फटाफट इनको कंचुले और ठूले को थोड़ी देर खेलने देता हूँ, उसके बाद चलेंगे मंदिर। फिर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद फिर चलेंगे ऑफिस। सो फटाफट इनके साथ खेल के फिर चलता हूँ। क्या हो गया, क्या हो गया, हैं क्या हो गया बता? कंचुले ठूले बेटा, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, बोल दियो। अच्छे हैं, अच्छे सब लोग अच्छे हैं। क्या हो गया? अच्छा भाई, भाई भाई के साथ भाग भाग के आ गए? नहीं, उनके ना थोड़ी देर भागते ना तो दिल बड़ा तेज तेज धड़कता है। भाई को बंद कर देता हूँ तो तू आके यहीं पे चौकीदार बैठता है। सुबह धूप भी निकल आ गया, तो फटाफट चलते हैं मंदिर, टाइम भी हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। सुबह आज ना लेट भी हो गया, मंदिर भी जाना था, उससे पहले पेट्रोल ख़त्म हो गया था, ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी। निकल गया था उसका फोन पे, तो आज उसका ब्लॉग आने वाला है गाइस, सो उसको एंजॉय करना। सो मैं चलता हूँ मंदिर, फिर उसका चलेंगे ऑफिस। तो गाइस फिलहाल जो है मैं मंदिर पहुँचूँ, थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं, फिर चलेंगे ऑफिस। सुबह से तो लेट हो गया हूँ, फटाफट दर्शन करेंगे। सो गाइस थोड़ा दर्शन हो गए और फटाफट निकलते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि आज मैं लेट हो गया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पेट्रोल भी डलवाना है। सो पेट्रोल भी डलवाना पड़ा, फिर आप फटाफट निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे, जाम में फंसेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। लेट्स गो। सो गाइस फिलहाल जो है ना ऑफिस पहुंच गए, मंदिर भी आ गए, कपड़े खोल रहे थे। ये दिखा दो मुझे, कपड़े खोलता हुआ बंदा, कपड़े खोल दो। मैंने तो अभी तक उतारे भी नहीं है ये विंजीटर। सो चलते हैं फटाफट ऑफिस, आज ना लेट हो गया। लेट इसलिए हो गया ना कि मुझे ध्यान में नहीं था कि कल मैं वहाँ गया था ना, विलेज गया था, आज का वो ब्लॉग आ गया उसका वाला। तो मैं जो है पेट्रोल भरवाना भूल गया, तो सुबह पेट्रोल भी भरवाना, फिर मंदिर भी जाना था, लेट हो गया इस वजह से। सो गाइस आज तो मेरा फास्ट था, और जो है ये तुर्की वाला जो मामला चल रहा है, भूकंप आया, इतने सारे लोग जो है डेथ कर गए, उसके लिए बहुत दिल से जो है ना, बहुत दिल में दर्द है, क्योंकि ये आपदा है, ये किसी को ही करके नहीं होता है, क्योंकि कोरोना भी आया, फिर इस तरह से हो रहा है, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये सुन के ही ना अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी अब काउंटिंग नहीं है, 19-20 हज़ार तो सुनने में आया, अभी मतलब मलबे से कितने लोगों को निकालेंगे। सो गाइस फिलहाल जो है लंच टाइम हो गया है, मंजिल तैयार है, आज लंच टाइम तो है, बट मेरा ना आज फास्ट भी है, जो फास्ट है तो फिर मैं तो कुछ फल फ्रूट ही खाऊँगा। मंजीत तो क्या खाओगे मंजीत? लंच खुलेगा तो दिख जाएगा। लंच गरम भी तो करना होगा तुम्हें। गरम कर लेंगे, मुझे तो गरम करने की जरूरत नहीं आज। हाँ, 16 सोमवारी कर रखे हैं इन्होंने, पता नहीं कितने कब खत्म होगी ये 16 सोमवारी। मंडे को शिव जी का दिन होता है, तो इसलिए भक्त तो सभी हैं। हाँ। ये कुछ स्पेशल भक्त है। मैं जो कि स्पेशल हूँ, स्पेशल नहीं, खैर ठीक है, अच्छा है। हाय, लंच कर लिया? नहीं लंच तो नहीं करा, करेंगे थोड़ी देर में करेंगे, अभी गर्म करने के लिए रखा हुआ। मेरा तो आज गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, और मंजीत का थोड़ा सा गर्म हो जाने दो तब तक। सुनना सबसे बढ़िया था, बिना मेहनत बिना लागत सारा बिना में हो जाता है। यही तो एक बंदे जो सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं, ऐसे ऐसे जगह से छीनूंगा जहाँ की 4 दिन तक खाना नहीं मिलेगा इनको, ढूंढते रहेगा बंदा, तो मुझे भूखा ही मारेगा बंदा, बताओ यार। इतना मैंने सोचा कि इतनी तारीफ कर दी, प्यार करता है बंदा। मैं भी तो तारीफ ही कर रहा हूँ। थैंक यू भैया जी,
सो गाइस फिलहाल जो है लंच करके आ गए, लंच इन द सेंस कि मैंने तो आज क्या कहते हैं पपीता ही लेके आया था। अच्छा लगा, मंजीत ने भी लंच कर लिया। मंजीत पता नहीं, कहेंगे तो बाहर घूमने चलेंगे, नहीं तो काम करेंगे। क्या होगा, भारत के जो है जितने भी जवान नौजवान हैं वहाँ पे जाके मतलब अपना योगदान दे रहे हैं, जितना हो सके वहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मशीन लगाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी को मैं सलाम करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा तुरंत निर्णय लेने में सक्षम है और अच्छा काम कर रहे हैं, और भारतीय नौजवान भी मतलब जोशों खरोश के साथ लगे हुए हैं, मैंने न्यूज़ में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस ये सब चीज़ें सुन के ना मतलब अपने आप को बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे इंडियन सोल्जर्स तुर्की में जाके अपना योगदान दे रहे हैं। सो सलाम है नौजवानों को। सो अभी तो मैं काम कर रहा हूँ गाइस, आज जो है बिल्कुल फुर्सत नहीं मिला कि मैं जो है कुछ और बाहर जाऊँ शूट कर, बाहर भी नहीं गया लंच के बाद और कुछ भी नहीं किया गाइस, सो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऑफिस से घर निकलने का टाइम तो हो गया लेकिन गाड़ी बड़ी गंदी हो गई भाई साहब, ऊपर से पता नहीं पानी गिर के ना सारा चौपट हो गया। संग्राम जी कह रहे हैं कि धो के जाओ, अभी तो धो नहीं सकते, तो फिलहाल जो है निकलते हैं फटाफट, नहीं तो फिर जाम में फंस जाएंगे। सो गाइस ऑफिस से निकलने के बाद और घर आने तक इतना ज़्यादा जाम में फंस गया बहुत बुरी तरह से, और आया फिर एडिट चालू किया। अब जो है एडिट ख़त्म कर चुका हूँ, फिर अब खाना खा के सोऊंगा। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, फिलहाल टाइम हो गया है 11:51। सो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप कि पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।